हूँ ममना और आप देख रहे हैं किचन विद ममना। तो आज हमने किचन में लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद चिकन चाउमीन नूडल्स। ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो कोरिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, चाइनीज़ खाई जाती है, चाइनीज़ फूड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, बंद गोभी मैंने लिया 1 कप, उसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया है। शिमला मिर्च मैंने लिया 1 कप, उसको भी मैंने ऐसे लंबा काट लिया है। स्पेगेटी हमने लिए हैं हसब ज़रूरत, यानी मैंने हाफ पैकेट लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऑयल मैंने लिया 2 टेबल स्पून, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा लेंगे। और 1 टीस्पून हमने दड़ा मिर्चें ली है, 2 टेबल स्पून हमने पेस्ट ली है टमाटर की, मैंने थोड़ा सा लिया, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, उसकी मैंने पेस्ट बना लिया। 2 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है। आप 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और लहसुन के मैंने 2 जवे लिए, उसको मैंने कूट लिया, आप इसके पाउडर भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने प्याज लिया, 1 कप मैंने चिकन लिया, उसको मैंने ऐसे काट लिया, ऐसे लंबा लंबा, यानी क्यूब में काट लें, जैसे भी आपको पसंद है आप काट लें, बोनलेस लिया मैंने हड्डी के बगैर। 1 टीस्पून हम शंग्रीला का चिली सॉस लेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम लेंगे सोया सॉस। तो अब चलते हैं इसको रेडी करने। देखिए यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, उसके अंदर हम ऑल ऐड कर देंगे जो हमने लिया था। अब हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने लिया था। हम इसे रखते हुए साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना लिया उसमें से 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और जो लहसुन हमने लिया था उसकी वजह से थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी तक। आप लहसुन पाउडर ले रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा आप ऐड करेंगे, बाकी हम साइड पे कर देंगे। साथ ही अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने लिया था। बंद गोभी ऐड करेंगे, काली मिर्च शिमला मिर्च करेंगे पहले पहले, सारी ऐड कर देंगे जो भी हमने ली थी। ये देखें यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिया, उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल लिया स्पेगेटी को बॉईल करने के लिए। अब हम इसको बॉईल करने का वेट करते हैं, फिर इसमें नमक और ऑयल ऐड कर देंगे। देखिए पानी में हल्का बॉईल आने लग गया, इसमें नमक ऐड कर देंगे हल्का ज़रूरत। ये देखिए नमक हमने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1 चम्मच तकरीबन। देखो हम इसे ऐड करेंगे तो जो स्पेगेटीज हैं वो आपस में जुड़े ना। तो अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, तब तक हम चलते हैं अपना चिकन तैयार करने। तो हम इसे अच्छे से फ्री कर लेंगे ताकि चिकन प्याज और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए। फिर तकरीबन इसे 5 मिनट तक हम इसे ऐसे करेंगे। फिर देखिए हमारा अच्छे से फ्री हो चुका है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च जो हमने ली थी सारी, और अब हम इसे दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। केचप, चिली सॉस, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको ऐसे मिक्स करेंगे कि सब में लग जाए। साथ ही अब हम इसमें ये मिर्चें ऐड कर देंगे, नमक और काली मिर्चें जो हमने बाकी की छोड़ी थी वो। दड़ा मिर्च, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, टीस्पून सॉरी जो हमने लिया था, साथ ही टमाटरों की पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो वेजिटेबल है वो भी कच्ची है, आप लोगों की भी कच्ची होगी तो आप परेशान ना होइएगा, इसमें पानी ऐड करें। और अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक पकने के लिए, इतना ऐड करें कि ये गले जले ना। अब हम इसे तकरीबन लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए इसमें हमारा बॉयल आने लग गया, अब इसमें हम इसमें स्पेगेटीज ऐड कर देंगे। तो सारी स्पेगेटीज ऐसे ही ऐड करें, आप चाहें तो इसको तोड़ भी के भी कर सकते हैं, पर लंबे लंबे होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम इसे ज़रा सा मिक्स करते हैं ताकि सारे मिक्स हो जाए अंदर ही, चले जाए। तोड़ के यही है कि ये जल्दी अंदर चले जाएंगे, अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो ये आराम से जाएंगे। तो हम इसे अंदर कर देंगे सारे। तो हमारी स्पेगेटीज भी बॉयल हो चुकी हैं, अब हम इसे छान लेंगे।
ये देखें आ चुके हैं और स्पेगेटीज मैंने निकाल ली थी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए बर्तन हमारा छोटा था इस वजह से हमने इधर शिफ्ट कर लिया, अब हम इसके अंदर जो बॉयल की हुई स्पेगेटीज हैं वो डाल देंगे, साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करेंगे कि ये जो चिकन है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और स्पेगेटीज जल्दी हो जाएं, तो आप इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको रख लें, फिर यहीं ये जुड़ेंगे। तो हम इसमें सारे को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें डिश आउट हमने इसको कर लिया और तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी सा चिकन चाउमीन, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है। तो ये देखें कितना यम्मी लग रहा है, बहुत ही यम्मी है। अगर आप इस बिल्कुल इस स्टाइल से बनाएंगे तो आप भी खुद हैरान हो जाएंगे कि हमने खुद बनाया, क्योंकि ये है ही बहुत टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। और अल्लाह हाफिज़।